अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा डेरा गाजी खान की खूबसूरत वादी वादी सिरी। ये वादी सिरी की बेहतरीन खूबसूरत आबशार है, कुदरती आबशार है, बहुत ही खूबसूरत साफ शफाफ पानी है इसका। इस पानी को पीने का जो जायका मैंने फील किया है वो बहुत अच्छा था। ये जो रोड है ये डेरा गाजी खान से राखी मूड से आगे शुमार की तरफ है। ये जो रास्ता है मोस्टली 10 किलोमीटर होगा, ये इस तरह रोड बना हुआ है, मगर इससे आगे जो है फिर रोड वो 10 से 12 किलोमीटर होगा, वो रोड नहीं बना हुआ, बस ऐसी है। पहाड़ों में सफ़र करना पड़ता है आगे, वो आप वीडियो में देख लेंगे। ये देखें, वो अब रोड ख़त्म हो गया जो राखी मुंह से 10-12 किलोमीटर था, अब ये पहाड़ों का सफ़र शुरू हो गया है। इधर जाने के लिए कोई मकामी बंदा साथ होना चाहिए, गाइड साथ होना चाहिए, और अकेला बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ जाना, क्योंकि जो रास्ता है वो मुश्किल है और भटकने का अंदेशा रहता है, और यहाँ पर ड्राइविंग भी बड़ी मोहतात अंदाज से करनी पड़ती है, क्योंकि रोड तो प्रॉपर नहीं है, फिसलन होती है, यहाँ पर जो पत्थर हैं उससे मोटरसाइकिल फिसल भी सकता है, और जो कार वगैरह जो गाड़ी बड़ी है वो इधर नहीं जा सकती। ये देखें, बड़ा पथरीला इलाका है, मगर जब हम वहाँ पहुँच गए थे तब हमारे सारी थकावट दूर हो गई थी। वो जो वहाँ के नज़ारे थे, फ्रेशनेस थी, नेचुरल ब्यूटी थी, माशाल्लाह। ये सारा जो है ना, ये बाइक का सफ़र है और मोटरसाइकिल पर किया जा सकता है। ये वादी सिरी है डेरा गाजी खान की। डेरा गाजी खान में आपने सुना होगा मॉडल बाजार है, चिड़ियाघर है, रानी बाजार है, मगर ये एक वादी सिरी एक ऐसी वादी थी जो मैंने भी 40-45 साल में लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है। कुदरत का इतना बेहतरीन खजाना हमारे से छुपा हुआ था। ये देखिए, आप ये ऊपर चढ़ रहे हैं हम, यहाँ हमारा बाइक जो थी वो दूसरा बंदा नहीं उठा सकती थी, मैं उतर गया था, इसलिए मेरा जो साथ पार्टनर था वो बाइक अकेले ले गया ऊपर। मैं आप ऊपर चढ़कर फिर बाइक पर बैठूंगा, अब पीछे व्यू भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो, ये अब एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ खाई थी, ठीक है, फोर्ट में अच्छा इलाका है, वहाँ पर रोड है अच्छा सब कुछ है, मगर ये भी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर। यहाँ फिर मुझे उतरना पड़ा था क्योंकि मोटरसाइकिल ये देखे नीचे अच्छी खासी लोग बनी हुई थी ना, पहाड़ था। फाइनली हम पहुँच गए हैं, ये जो जगह है इसको वादी सिरी कहते हैं। ये वादी सिरी का पानी है, साफ ते शफाफ है, इंदे विच मच्छियां भी, इसमें फिश भी नज़र आ रही होंगी आपको अगर आप गौर से देखें तो। ऐसा शफाफ पानी और साफ पानी मैंने अपने इलाके में कहीं नहीं देखा, ठीक है, और इलाके में होते होंगे मरी में सवात में, मगर हमारे इस तरफ कहीं भी नहीं है। कुदरती पानी है, बह रहा है माशाल्लाह, बहुत इंजॉय है, मगर यहाँ पर चलना ख्याल से पड़ता है क्योंकि पत्थरों के ऊपर पानी होता है तो वहाँ फिसलन होती है, पाँव के चलने का डर भी होता है। ये देखें क्या व्यू है माशाल्लाह। ये वादी सिरी में हम घूम फिर रहे हैं, मगर हम आपको लास्ट पॉइंट भी दिखाएंगे जहाँ तक हम गए थे। जो फटाट में आपने वीडियो देखी थी वो लास्ट पॉइंट था जहाँ मैं नहा रहा था। कितना साफ पानी है, कितना साफ पानी है,
और फ्रेश पानी है। पीने का जो उसका टेस्ट है ना, जायका है ना, वो मिनरल वाटर या और मैंने ऐसा टेस्ट कहीं फील नहीं किया। शफाफियत चेक करें पानी की, नेचुरल पानी की। पहाड़ों के बीचों बीच पानी ये बह रहा है, आबशार कुदरती बह रही है और ये इतना साफ पानी है कि इसके 5-5, 10-10 फुट नीचे मछलियाँ जो थी वो भी नज़र आ रहे थे। ये देख कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। पहाड़ों के बीचों बीच वो पानी बह रहा है, ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैंने आया जीता जबरदस्त। ये देखें